हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। आज हम लोग बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद की बुक में चैप्टर नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे बिहार में कला एवं संस्कृति के बारे में, जिसमें पेज नंबर 104 तक हम लोग 4 में हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को पढ़ा था। आज हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। और सबसे पहले आप लोग ये जब भी पढ़ेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठेंगे। और एटलीस्ट अगर बुक लेकर बैठ रहे हैं तो बुक में पेंसिल से मेंशन ज़रूर करते चले जाएंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें अंडरलाइन करके चले जाएंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पीटी के से ज़्यादा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले भी बोली थी लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है बिहार में कला एवं संस्कृति पीटी से ज़्यादा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग जहाँ चित्रकला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कीजिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंशन भी फॉर मेंस करके आप लोग यहाँ बगल में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, पेंसिल से। और कॉपी में भी आप लोग इसको लिख लेंगे, कॉपी में पॉइंट बनाकर लिख लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस चित्रकला, और जिसमें पहला टॉपिक देंगे पटना कलम कला, ठीक है। स्थापत्य कला में आप लोग देख लिया आप लोगों ने पढ़ा था जो मौर्य काल एवं गुप्त काल में जो भी मध्ययुगीन स्थापत्य कला एवं जो अशोक के शासनकाल में जो अशोक स्तंभ थे उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे एवं यक्षिणी की मूर्ति मिली थी इससे संबंधित तथ्य भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो पाल कला के बारे में भी पढ़ा था, तो मैं ज़्यादा बैक नहीं जा रही हूँ, बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ। और आप लोग अगर अब जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग प्लीज़ पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आप लोग जो भी पढ़े पूरा जानकारी। और अब मैं बता दे रही हूँ कि 65वीं BPSC में सतही एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं आएंगे। ये नहीं कि आप लोग सोच लेंगे कि MCQ जैसे पुराने ढर्रे पे आते चला गया था, जो 52वीं से 60वीं तक में जिस टाइप का क्वेश्चन आया था उस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उम्मीद भी मत करिए कि आप BPSC बिल्कुल एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ करके आपको एकदम आसान से आपको क्वालिफाई करने देने जा रहा है, क्योंकि अराउंड मोर देन 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। 423 ही पोस्ट हैं, अब 423 है मोर देन, उसमें आप सोच लीजिए कि 5 लाख मोर देन 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो आप और रिजल्ट कितने का होने वाला है पीटी के लिए, मतलब मेंस के लिए, यानी कि जो पीटी क्वालिफाई करेंगे मात्र 10 टाइम्स हार्डली 5000, यानी कि 5 लाख का मात्र 1% रिजल्ट होने वाला है पीटी जो कि पीटी क्वालिफाई करेंगे। तो आपको सोच लीजिए कि आपका जो जो भी तैयारी होगी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप लोग पीटी को अच्छी तरह से निकाल पाएँ, क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी हो कि सतही नहीं बल्कि डीपली पूरी अंदरूनी तैयारी होनी चाहिए। मीन्स आप जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ें पूरे डीपली पढ़ें, तब जाके अच्छी तैयारी आप मान के चले कि आपका पीटी क्वालिफाई आप कर पाएंगे, क्योंकि 5 लाख में मात्र 5000 को रिजल्ट होने वाला है। 5 लाख में 5000 मतलब 1% है। आपको 1% में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ये सोच लीजिए। और चूँकि बिहार से रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको एवरेज आएंगे, तो आपके लिए ये जो बुक है जिसके कंटेंट में से मैं आपको स्टडी करा रही हूँ, तो ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। जितने भी अगर आप जो BPSC के एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर आप पूछेंगे, या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं जो बुक सजेस्ट करते हैं उनसे भी आप पूछेंगे, तो आप डायरेक्ट सबसे पहले टॉप का नाम आता है इम्तियाज अहमद की बुक। और इम्तियाज अहमद की दो बुक है, एक ऑब्जेक्टिव है एक डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव बुक से पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बुक तैयारी के लिए अच्छी है, बट पहले आपको जब तक डिस्क्रिप्टिव बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सिंगल फैक्ट्स मिलेंगे, बट और डिस्क्रिप्टिव अगर आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेते तो हर फैक्ट के बारे में आपको अपने आप याद हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो भी कंटेंट से मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव वाले फैक्ट्स से मैं आपको मेंशन कराते चले जा रही हूँ। तो वीडियो जब भी देखेंगे तो पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को मेंशन करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पटना कलम कला के बारे में।
और फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देख रहे हैं तो प्लीज़ वो दूसरों को भी रिफ़र करें कि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। पटना कलम कला। मुगल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्रशय न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। इस क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप भी विकसित हुए। इन्हीं में एक पटना कलम या पटना शैली भी है। तो पटना कलम या पटना शैली एक ही है, ठीक है। इसका विकास 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक बना रहा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है, विकास कब हुआ था। इस प्रकार पटना कलम कला का जीवन काल 150 से अधिक रहा है। इस शैली पर एक ओर मुगल शाही शैली का प्रभाव तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव रहा है। देखिए क्वेश्चन पहले अब सतही पूछते थे, अब कुछ कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो डीपली होते हैं, जो लोग डीपली पढ़ाई किए हैं उन्हीं वही उनका आंसर कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे ताकि आंसर आप लोग कर सकें। अब यहाँ पर देखिए पटना कलम कला पर किन किन चीज़ों का प्रभाव रहा। जनरली आज तक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा नहीं है गया है, बट जो मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको जरूर कोशिश करूँगी बता दूँ कि आप लोग उसको मेंशन कर लें, नोट डाउन कर लें ताकि आप कहीं भी फंसे नहीं, ठीक है। तो पटना कलम कला पर किन चीज़ों का प्रभाव रहा है, मुगल शाही शैली का और तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी आगे देखें। साथ ही साथ इसमें स्थानीय विशेषताएँ भी स्पष्ट हैं, इन्हीं के सम्मिश्रण से इस शैली की अपनी पृथक पहचान बनी है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें आज अधिकतर कागज़ और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। सामान्यतः इन चित्रों में दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण के जीवन का ही चित्रण हुआ है। लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार सुनार इक्का वाला पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोता हुआ किसान, साधु संन्यासी आदि के चित्र सामान्यतः इस शैली में देखे गए हैं। यहाँ पर आप इसको साइड में आप लिख सकते हैं विशेषता, ठीक है, विशेषता जो है ये है। यहाँ पर आपको साइड में लिखना है, ठीक है। इनके अलावा पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण हुआ है। ऐसे चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं है। मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भवें, पतली चेहरे, गहरी आंखें और पुरुषों की घनी मूंछें दिखाई गई हैं। तस्वीरों को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का क्रम हुआ। अधिकतर गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग इस चित्र में हुआ है। मुगल दरबार की शाही शैली से पटना कलम कई आधार पर भिन्नता रखता है। इन चित्रों में सजीवता और समानता जीवन में इनका घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों से भी अंतर स्पष्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे चीज़ें हैं आपको पटना कलम कला की विशेषता है, मुख्य विशेषता है। अगर आपको एग्जाम में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पटना कलम कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, या फिर पटना कलम कला पर टिप्पणी लिखें, तो आपको ये जो भी आपको क्योंकि यहाँ पैराग्राफ में दिया, आपको लिखने का इस तरह से नहीं लिखना, आपको लिखना आंसर जब भी करेंगे पॉइंट्स बनाकर कीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पॉइंट्स बना करके आप लिख लेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, आपका नंबर एक स्कोरिंग हो इसके लिए एक तरीका और होता है, मैं वो मेंस के लिए बता रही हूँ कि स्कोरिंग कैसे करते हैं। चीज़ों को मैंने बताया था कि अगर आप यक्षिणी के बारे में पूछा गया है या फिर महत्वपूर्ण जो चीज़ें लास्ट स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में पूछा था और उनके नमूने के बारे में आप उदाहरण देने के लिए मैंने बताया था, तो उसमें अशोक का स्तंभ का मैं आप बताया था कि मैप बना सकते, छोटा सा चित्र बना सकते हैं। उसी तरह यक्षिणी का मूर्ति का चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल होगा आपका स्कोरिंग कैसे होगा आंसर, तो कहीं से भी आप गूगल पर डाउनलोड कीजिए पटना कलम कला, ठीक है, आपको उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। एक छोटा सा नमूना आप बना सकते हैं साइड में, जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो बगल में जब आंसर कर रहे हैं तो थोड़ा सा जगह आप छोड़ते हुए साइड में कहीं पर एक चित्र बना देंगे सुंदर से पटना कलम कला का, ठीक है, जैसा यहाँ पे जो विशेषताएं बताई गई उसके आधार पर। और आपको इसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा गूगल से आप पटना कलम कला सर्च करके एक चित्र डाउनलोड कर लेंगे, उसी को प्रैक्टिस करके जाइएगा मेंस में, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें आगे दिखेंगे।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पॉइंट है। इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम कौन है? सेवक राम, जिनका जीवन का 1770 से 1780 रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अतिरिक्त हुलास राम भी इस शैली के आरंभिक प्रतिनिधियों में रहे हैं, यहाँ भी एक नाम हो गया, ठीक है। उनका काल 1785 से 1885 था। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दिवाली और होली के दृश्य दिखाए गए हैं। अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवदयाल राम आदि प्रमुख हैं। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लीजिएगा, प्रमुख जो पटना कलम कला के प्रमुख जो चित्रकार रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि कौन थे? ईश्वरी दास। यहाँ भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए प्रथम और अंतिम ये ऐसे चीज़ फैक्ट होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो किसी देश के नए के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो या फिर किसी राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री हो, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब कलाकार के बारे में बोला जाए तो पहला कलाकार कौन था, अंतिम कलाकार कौन था, पहला नाम कौन हो गया? सेवक राम, और अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी दास थे, ठीक है। इन चित्रों के नमूने पटना संग्रहालय में बड़ी संख्या में सुरक्षित है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला का इतिहास पुराना है, मगर इसे ख्याति हाल के दशकों में भी प्राप्त हुई है। यह एक लोक कला है जिसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। मधुबनी चित्रकला क्या है? एक लोक कला है, ठीक है। इसके दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और आरीपन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लोक कला, भित्ति चित्र और आरीपन, ये क्या है प्रकार? भित्ति चित्र में तीन रूप देखे जा सकते हैं, गोसनी के घर की सजावट, कोबर घर की सजावट और कोबर घर के कोनिया की सजावट। ये किन के उदाहरण हो गए? भित्ति चित्र के, ठीक है। अगर 65 में थोड़ा डीपली अगर जाता तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोसनी के घर की सजावट किसका उदाहरण है, या कोबर घर की सजावट और कोबर घर के कोनिया की सजावट किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये मधुबनी चित्रकला का उदाहरण है। या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है, मधुबनी चित्रकला में भित्ति चित्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपको डीपली पढ़ के चलना है। पहली श्रेणी के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं, जबकि अन्य दो में प्रतीकों का उपयोग होता है, ठीक है। पहली श्रेणी मतलब ये वाला, गोसनी के घर की सजावट हो गया तो आपका धार्मिक महत्व वाला, और सेकेंड और थर्ड हो गया प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। सभी चित्र महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें भी ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों का योगदान मुख्य होता है। धार्मिक भित्ति चित्रों में दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि का अधिक चित्र होता है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें कामदेव, रति और रेशनियों के अतिरिक्त पुरुष और नारी की जनन इंद्रियां बनाई जाती हैं। पृष्ठभूमि के लिए पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र बनाए जाते हैं, मगर इनका भी प्रतीकात्मक महत्व होता है। चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। चित्र उंगुलियों से या बांस की कूची से बनाए जाते हैं। उन्नत शैली के अभाव में भी लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इन चित्रों को विशेष आकर्षण बना देता है। इन चित्रों में प्रयोग किए जाने वाले रंग ज़्यादातर वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। हरा, पीला, लाल, नीला, केसरी, नारंगी, बैंगनी आदि रंग मुख्यतः प्रयोग हुए हैं। अब देखिए मधुबनी, पहले आप लोगों ने देख लिया एक मधुबनी चित्रकला का एक पहला रूप देख लिया, आप सेकेंड रूप देखेंगे आरीपन चित्र। यह आंगन में या चौखर के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं। इनमें बनाने में कूटे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। तो देखिए मधुबनी चित्रकला को दो भाग में बांटा गया है, भित्ति चित्र और आरीपन। भित्ति चित्र के बारे में आप लोगों ने देख लिया, गोसनी के घर सजावट और कोहबर घर की सजावट और कोहबर घर के कोनिया की सजावट। अब हम लोग आरीपन के बारे में देख रहे हैं। तो आरीपन जो होता है वो स्पेशली कैसे बनाया जाता है, बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है चावल के पानी और रंग, ठीक है। और इसको जनरली उंगलियों से ही बनाते हैं। आरीपन चित्रों में 5 श्रेणियाँ निर्धारित की जाती है, मनुष्यों और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र, फूल पेड़ फलों के चित्र, तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक दीपादि के आकार। तो ये जो प्रमुख आकार प्रकार हैं इनको याद रखिएगा।
इनके अंदर विभिन्न अवसरों के लिए अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित है। देखिए अरिपन आप लोग को सुनने थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट आप लोग अरिपन नहीं सुने के अर्पण बहुत बार सुने होंगे ठीक है। अरिपन नहीं सुने लेकिन अर्पण तो जरूर सुने होंगे। तो ये वही चीज़ है जो अरिपन जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग उसको भ्रंश शब्द का इस्तेमाल करते हैं अर्पण, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जनरली जो दिवाली के मौके पर तुलसी पिंडा के किनारे जब महिलाओं द्वारा चावल का पानी से वाइट कलर का दिखे होंगे, या फिर उनमें कुछ कलर डाल के क्या किया जाता है, अर्पण दिया जाता है। मतलब किनारे से फूल के डिजाइन वाले या सुंदर सुंदर आकृतियों से वो रंगोली के टाइप का बना दिया जाता है। जनरली रंगोली यहाँ लाके ड्राई रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्पण में क्या किया जाता है, चावल के आटे, चावल का जो घोल होता है, पीसा हुआ चावल का घोल होता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह उसमें लक्ष्मी जी के जो पद चिन्ह बनाए जाते हैं उसी अर्पण से बनाए जाते हैं। तो ये अरिपन एक्चुअली में वही अर्पण है जो हम लोग अर्पण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अरिपन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरली इसका जो उपयोग क्या होता है, पूजा पाठ में बना तथा स्वास्तिक के निर्माण में तुलसी पिंडा के किनारे से जो तुलसी पिंड के किनारे जो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, या फिर तुलसी पिंड को सजाने में भी इसका काम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए जाने अरिपनों में ज्यामितीय आकार विशेषकर त्रिकोण और आयताकार का अधिक प्रयोग होता है। सांझा अरिपन या कल्याणवादी अरिपन का अधिक प्रचलन है। विवाह और उत्सवों पर पत्नियों के आकार का अधिक सर्वाधिक प्रयोग होता है। अपने इन विविध रूपों में मधुबनी चित्रकला अन्य लोक कलाओं की तरह पर्व त्योहारों और पारिवारिक अनुष्ठानों से बहुत गहरी तरह जुड़ी हुई है। विगत वर्षों में इस कला की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके शैली के प्रमुख प्रतिनिधियों में पद्मश्री, सिया देवी, कौशल्या देवी आदि के नाम लिए जाते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग दोनों कौन से थे, जो मधुबन चित्रकला के प्रमुख कलाकार के रूप में सिया देवी और कौशल्या देवी का नाम फेमस है। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन है, मधुबनी, सिमरी, लहरिया सराय और रांची। मधुबनी हस्तकला खासकर चित्रकला से आए दिन विदेशों में लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। स्थिति यह है कि जापान के तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार का अनूठा संग्रहालय भारत में भी नहीं है। कला का व्यापारों में बनाने के साथ साथ पुराने शैलियों में कुछ नवीनता के पुट भरने का प्रयास किया जा रहा है। मिथिला पेंटिंग में शैलीगत विशेषता यह है कि इन चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक रूप स्वरूप दिया जाता है। उदाहरणतः अगर किसी पक्षी का चित्र देना है तो उसका आकार ऐसा दिया जाता है कि बस लगे कि कोई पक्षी है, ठीक है। जैसे कि तरीका होता है ऐसे करके उड़ाते हुए दिखाया जाता है ना, ठीक है। पेड़ की जगह पे ऐसे करके बना दिया, ये इसको पेड़ बोला जाता है। ये आपको आकृति दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें भी अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं का एक्स्ट्रा से आपको निकाल दिया जाएगा, आपको कुछ आपको जिससे कि उसमें चोटी उटी बनाते हुए दिखा दिया जाएगा ताकि वो महिला की आकृति लगे। तो ये हो गया था आपका मिथिला पेंटिंग। अगर किसी आदमी का चित्र देना हो तो उसे शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। रंगों की विशेषता इसका दूसरा प्रमुख पक्ष है। यद्यपि अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन शैलीगत विशेषता अभी भी प्राकृतिक रंगों से ही कायम है। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग, काजल एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं पैर के पत्ते का दूध मिलाकर, नारंगी रंग पलाश के फूल से, कुसुम के फूल अथवा त्वरित के फूलों से, लाल रंग एवं सीम के पत्ते से हरा रंग बनाया जाता है। तो ये हो गए मिथिला पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्राकृतिक रंग हैं उनको बनाने के तरीके हैं, ये सब हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन हालांकि जनरली नहीं आता है, बट फिर भी आपको चूंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप सतही मत पढ़ाई कीजिए, पर जो भी पढ़ रहे तो अच्छी तरह से समझते हुए पढ़िए, जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं करिए, कहीं से भी आप, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हैं आपको पीटी से ज़्यादा मेंस में लिखना है। तो आपको अगर टिप्पणी आता है लिखने मिथिला पेंटिंग के बारे में तो आप इन चीज़ों के बारे में जितना अच्छी तरह से लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है।
आगे देखेंगे जादवपट्टीय चित्रकला। भारत की प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित यह एक लोक शैली है जो संथाल समाज के मिथक पर आधारित है। संथाल समाज की लोक कथाओं, मिथकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। इन चित्रों को बनाने वाले संथाल भाषा में जादव कहलाते हैं। ठीक है, तो जादव कौन होंगे? जादवपट्टीय चित्रकला के जो बनाने वाले हैं उनको संथाल भाषा में जादू कहते हैं। चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, लेकिन अब इसका लोकप्रियता समाप्त होती जा रही है। यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों पर या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बने पटों पर अंकित किए जाते हैं। प्रत्येक पट में पट 15 से 20 मीटर चौड़ा होता है और इन पर 4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग प्रयुक्त होता है। जादव कौन कहलाते हैं? तो जादवपट्टीय चित्रकला के जो निर्माते हैं वह बनाने वाले हैं वह जादू कहलाते हैं। ठीक है, और संथाल समाज का लोक समाज की लोक कथाओं, मिथकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का इसमें विशेष प्रस्तुतिकरण होता है। दो प्रमुख पॉइंट हैं, उनको आप देखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनका जो बनाने का तरीका है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। संगीत एवं नृत्य। संगीत का महत्व सभी सांस्कृतियों में निर्णायक रहा है। यह एक ओर मनोरंजन का साधन है तो दूसरी ओर सृजनशील प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय से राजगीर और वैशाली जैसे नगरों में गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। इन्हें नगर शोभिनी कहा जाता है। नगर शोभिनी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नगर शोभिनी कौन हो गए? वैसे गायिका है और नर्तिका है जो कह सकते हैं कि पूरे नगर में जो नगर की जो गायिकाएं होती थी और उनका जिनका पेशा ही था कि वे गायन करें या फिर वे नर्तकी का काम करें, वे नगर शोभिनी कही जाती थी। वैशाली की राज नर्तकी अमरपाल द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में से आ चुका है कि कौन सी नर्तकी ने वैशाली की कौन सी राज नर्तकी ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली थी। विशाल साम्राज्यों के उदय के साथ राज नर्तकियों की परंपरा और भी विकसित हुई। उत्तर बिहार में मिथिलांचल में 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही नए देव द्वारा संगीत संबंधी रचना की गई। तुर्क शासन काल में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई, जबकि वैष्णव धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से नृत्य और संगीत दोनों का विकास हुआ। आधुनिक काल के आरंभ में लोक नर्तक और नर्तकियों की अनेक श्रेणियों के नाम मिलते हैं, जिनमें भकलिया, भजनीय, कीर्तनीय प्रमुख हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतनोपरांत शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक पहुंचा था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर एक पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। पटना में ख्याल और ठुमरी की शैलियों को विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन की लोकप्रिय शैलियाँ थी। इन्हें लोकप्रिय बनाने में लोक गायिकाओं का विशेष योगदान रहा है, जिनमें रोशन आरा, बेगम इमाम बांदी और रामदासी के नाम प्रमुख हैं। इन्हें प्रसिद्ध स्थानीय नवाबों और जमींदारों ने दिया, जो त्योहारों, उत्सवों या पारिवारिक समारोह में इन गायिकाओं को बुलाया करते थे। लोक संगीत के अनेक रूप बिहार में प्रचलित थे, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से रहा। विवाह के समय सुमंगली, जन्म उत्सव पर सोहर, कृषि कार्यों में 12 मास आदि गायन की लोकप्रिय शैलियाँ हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आ चुका है पहले, ठीक है, इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे आया? सुमंगली किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? ठीक है, या सुमंगली क्या है, उस तरह सोहर क्या है और 12 मासा क्या है? तो 12 मासा कृषि कार्यों में गाया जाने वाला गायन है, उसी तरह सोहर क्या है, जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। सोहर के बारे में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, ये BPSC और JPSC दोनों में पूछा गया था। बिहार में लोक नृत्य की परंपरा भी बहुत
प्रसिद्ध है। इनमें तीन प्रमुख धाराएं हैं। उत्तरी बिहार में विदेह क्षेत्र के लोक नृत्य जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित है हैं और इनका धार्मिक महत्व जैसे रामलीला नाच, भगत नाच, कीर्तनीय नाच और पूजा आरती नाच, ये सब हो गए उत्तर बिहार में विदेह क्षेत्र में लोक नृत्य जो कि काव्य रचनाओं पर आधारित हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये देखिए जो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो पूरा चैप्टर है आपका पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए ही नहीं मेंस के लिए, मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ही लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा उसको शब्द शब्द एक एक शब्द एक एक लाइन अच्छी तरह से आप लोग उसका अच्छी तरह से पढ़ जाइएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी अगर पढ़ रहे हैं तो ये मान के ये सोच कर कि आपको पीटी क्वालिफाई करके मेंस देना है, तो पढ़िए ऐसा कि सिर्फ पीटी नहीं आपका मेंस भी क्वालिफाई करे, आप इंटरव्यू भी क्लियर करें। नेक्स्ट देखिए आदिवासी के लोग नृत्य जो प्राकृतिक और सामाजिक संस्कारों पर आधारित हैं, इनमें जादुर कर्मा यात्रा प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है जादुर कर्मा यात्रा जो कि प्राकृतिक और सामाजिक संस्कारों पर आधारित है और ये आदिवासियों के लोक नृत्य हैं। जादू नृत्य का संबंध सरहुल के त्यौहार से है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बिहार के आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है और दक्षिण बिहार में सलाई किला खरसावां क्षेत्र में छऊ नृत्य अत्यंत प्रचलित है। इनमें नर्तक और नर्तकियों द्वारा आकर्षक मुखौटे पहने जाते हैं और इनमें गायन का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नृत्य डोमकच है, इनमें गायन और नृत्य का साथ साथ उपयोग होता है, इनमें हास्य उल्लास का वातावरण अधिक छाया रहता है। देखिए ये सब प्रमुख विशेषताएं आपको घुमा करके क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, जैसे पूछ देगा छऊ नृत्य की विशेषता निम्न में क्या है, अब उसमें एक और ऑप्शन देगा कि इसमें मधुर संगीत का उपयोग किया जाता है जबकि छऊ नृत्य में गायन का उपयोग नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देकर के आपको भटका सकता है। तो आप हर चीज़ को आप लाइन बाय लाइन पॉइंट एक एक शब्द जो शब्द अच्छी तरह से पढ़ के याद करेंगे। आगे देखेंगे नृत्य के अन्य लोकप्रिय शैलियों में झूमर, पैका, नटुआ, नचनी आदि के नाम लिए जाते हैं। विश्व में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार से में भी बिहार की दिन उल्लेखनीय रही है। पाली भाषा, चैत्य विहार और स्तूप निर्माण शैलता चित्रकला के इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म की प्रमुख सामूहिक दिन अविस्मरणीय है। नेक्स्ट है पर्व त्यौहार, बिहार त्यौहार का प्रदेश है, एक और आदिवासी रंग बिरंगी परंपरा को विभिन्न मौक़ों पर प्रस्तुत करते हैं, वहीं मैदानी इलाकों के लोग भी पीछे नहीं रहते। राज्य में बनाए जाने वाले पर्व त्यौहार में कुछ तो क्षेत्रीय हैं कुछ राष्ट्रीय जिनमें प्रमुख हैं। अब देखिए बिहार के एक पर्व के बारे में एकदम स्पेशली से क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप देखेंगे अगर 59वीं से 62वीं का में देखेंगे या फिर 52वीं वाला में देखेंगे तो आपको क्लियरली छठ पर्व के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, तो एक पर्व त्यौहार के बारे में, आर्ट एंड कल्चर से आपको चित्रकला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली दो तीन क्वेश्चन तो एकदम एवरेज आते हैं पीटी में, मेंस में तो सीधा सीधी इसे आपको आप जान रहे हैं कि अगर उसमें आपका तीन यूनिट है जीएस पेपर वन में तो पहला यूनिट एक यूनिट का जो जीएस पेपर वन का पहला जो यूनिट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर से सीधे सीधे क्वेश्चन भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में एक क्वेश्चन रहता है और एक बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में, आप समझ सकते हैं 300 नंबर के क्वेश्चन में अगर उस क्वेश्चन का वेट आप देखेंगे तो मान के चलिए एवरेज 50 नंबर का वेट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो आप चैप्टर नंबर 6 अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपका वो 50 नंबर तो एकदम कहीं नहीं जाने वाला है, अच्छी तरह से आएगा, बस बशर्ते कि आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, अपने आंसर को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई आ रही होगी तो आप लोग अपना साउंड वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हुई है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी मेरी कम आ निकल रही है, अपना आप लोग मोबाइल का या फिर लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ा करके ही सुनेंगे। माघ शुक्ल पाँचवीं को वसंत पंचमी के दिन बिहार में सरस्वती की प्रतिमा बनाकर इनका पूजन कर विसर्जन किया जाता है, जिसको आप लोग सभी जानते हैं वसंत पंचमी के नाम से फेमस है। रामनवमी, इस त्यौहार को बिहार में भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह त्यौहार चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। तिथि याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इन चीज़ों में ज़्यादा तिथि भी आ सकता है कि कब मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है, या फिर उसके मनाने का कारण क्या है। इस दिन भक्त लोग उपवास रखते हैं तथा विशेष पकवान तैयार करते हैं। इस दिन भजन गाते हैं, रामायण तथा रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस दिन मंदिर आंगन एवं पवित्र स्थानों पर झंडा लगाने की भी प्रथा है, जिस पर हनुमान जी की आकृति अंकित होती है। इस दिन जुलूस भी निकलता है। होली बिहार का एक मुख्य त्यौहार जिसमें जिसे अत्यधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और यह जो हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी के साथ नववर्ष का आरंभ भी होता है, और यह त्यौहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से है। प्रहलाद तो सुरक्षित रहा, मगर उसे जलाने की चेष्टा में होलिका स्वयं जल गई थी, जिनको आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, ठीक है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, और शिव पार्वती के विवाह का यह प्रतीक दिवस है। रक्षाबंधन यह त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, और जिसका अर्थ भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रण है। तीज एवं चौथ भाद्र मास की तीसरी और चौथी तारीख को महिलाओं द्वारा यह त्यौहार अपने पति के कुशल मंगल के लिए मनाया जाता है। इस उद्देश्य से महिलाएँ व्रत करती हैं। जन्माष्टमी भादो महीना, ठीक है, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी भादो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का आयोजन इस पर्व में होता है। महालय हो गया, यह आश्विन के कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के रूप में 15 दिन तक मनाया जाता है। इसे एकदम क्लियरली एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्लियर एग्जाम में आ चुका है, एकदम आ चुका, बीपीएससी में तो आ ही चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, जेपीएससी में भी आ चुका है कि महालय क्या है। यह एक पितृपक्ष में के रूप में मनाया जाता है, और इसमें पितरों के प्रति श्रद्धा एवं आस्था व्यक्त करते हुए उनके प्रति पूजन किया जाता है, उनके प्रति तर्पण किया जाता है, और इस अवसर पर हिंदू अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करते हैं। विजयदशमी, ठीक जो महल्ले के बाद आपका विजयदशमी का आरंभ होता है, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, और यह त्यौहार अच्छाई की बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया, और अंततः नगरों में रामलीला की जाती तथा और रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दीपावली, यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को हिंदू समाज और जैन समाज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के आने से पूर्व घरों दुकानों आदि की सफाई पुताई रंगाई, और हिंदू लोग इसे राम की रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या आगमन की याद में मनाते हैं। मिस ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही श्रीराम वन से रावण को मार करके अयोध्या वापस लौटे थे। गोवर्धन होता है, दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिमा को यह मनाया जाता है, और इस दिन मंदिरों में अन्नकूट की पूड़ी व सब्जी तैयार होती है, जो सबसे सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। देवोत्थान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसको अपभ्रंश के रूप में जेठान भी बोला जाता है, देवोत्थान अर्थात जेठान, ठीक है। पूजा, बिहार के लोग इस दिन सायंकाल में गन्ना गुड़ शकरकंद आदि से भगवान की पूजा करते हैं। दवात पूजा के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, यह किस जाति वर्ग के लोगों में विशेष रूप से मनाया जाता है, तो कायस्थ जाति में, ठीक है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है, और किस भगवान की पूजा की जाती है इसमें, चित्रगुप्त भगवान की। छठ पूजा बिहार के क्षेत्रीय त्यौहार में सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा है, क्लियर क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण या सबसे लोकप्रिय पर्व कौन रहा है, तो छठ पूजा है रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है और अर्घ्य डाला जाता है। इसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त एवं दूसरा सूर्योदय के समय डाला जाता है। ईद मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है, जो रमजान महीने के उपवास की समाप्ति के बाद मनाया जाता है, और इसके माध्यम से श्रद्धालु मुसलमान उपवास के महीने के सफल
समापन का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं क्योंकि इसके पूर्व फितरा या दान किया जाता है, अर्थात फितरा का अर्थ क्या होता है, दान। बकरीद जिसे ईद उल अजहा भी कहते हैं इस्लामी पंचांग के अंतिम महीने में मनाया जाता है और यह त्यौहार पैगंबर इब्राहिम नामक धर्मपुरुष द्वारा बलिदान की याद में मनाया जाता है। मुसलमान इस अवसर पर पशु बलि देते हैं। मुसलमानों का तीर्थोत्सव हज इसी समय संपन्न होता है। नेक्स्ट डे मुहर्रम इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है। इस महीने की 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन अपने उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं अनुयायी शहीद हो गए थे। इसी महत्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, जिसका मूल रूप शोक प्रदर्शन का था, जिस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है और यह पर्व हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसाइयों के महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जन्मदिवस इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उनके जन्मस्थल पटना के हरि मंदिर में पौष शुक्ल सप्तमी को विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है। तो जन्मस्थली कब कहाँ है, पटना के हरि मंदिर नगर में सिख श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकालते हैं। महावीर जयंती जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक एवं 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर का जन्म बिहार में है। भगवान महावीर का जन्म दिन चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती का पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सरहुल यह आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है और यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पूर्व मनाया जाता है। इसमें सरना की पूजा की होती सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए के कुंज को कहते हैं। कर्मा यह पर्व भी आदिवासियों का है। यह पर्व मुख्यतः उरांव आदिवासी लोग भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कुछ और आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं। जितिया इसको जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं और यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने संतान के मंगल और दीर्घायु की कल्पना करती हैं। मधुश्रावणी मिथिलांचल में यह पर्व नवयुवतियों द्वारा विशेष उल्लास से मनाया जाता है। इसका आरंभ नाग पंचमी से होता है और मधुश्रावणी के दिन घरों को सजाने का काम होता है। मेला बिहार राज्य में छोटे बड़े अनेक मेले लगते हैं। ये मेले किसी पर्व या त्यौहार के अवसर पर तीर्थ स्थानों में अक्सर लगते हैं। कुछ प्रमुख मेलों का वर्णन निम्नलिखित है। वैशाली का मेला महावीर की जन्मस्थली वैशाली में चित्र चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जैन धर्मावलंबी पूरे देश में एकत्रित होते हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर में आयोजित है। इसे सोनपुर का मेला आप सभी जानते हैं। सोनपुर का मेला यह मेला पूरे एक पक्ष तक चलता है। संभवतः यह मेला मुगलों के शासनकाल से आयोजित होता आ रहा है और इससे ये क्वेश्चन जो है सोनपुर का मेला है इससे हर बार क्वेश्चन लगभग एवरेज मान के चले कि अभी तक जितने भी बीपीएससी हुए हैं उसमें मान के चले कि आधे बीपीएससी में तो या फिर 40% बीपीएससी जितने भी हुए इसमें आपको इससे क्वेश्चन तो जरूर आया है आपको सोनपुर का मेला से। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला इस अवसर पर हरिहर क्षेत्र में नाग महादेव की पूजा की जाती है और लोग गंगा में स्नान कर दान करते हैं। सोनपुर मेला का आरंभ भी इसी के साथ होता है। ठीक है। जानकी नवमी का मेला यह मेला मुजफ्फरपुर जिले में सीतामढ़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सीतामढ़ी सीता जी की जन्मस्थली है। सीता के जन्मदिवस पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है। ये जो तिथियाँ हैं इनको याद रखिएगा। ठीक है। कम से कम तिथि को जरूर याद रखें। और देखिए यहाँ पे सोनपुर मेला के बारे में जो बताया गया है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है। इसका जो आरंभ हुआ था कब से हुआ था, मुगलों के शासनकाल से आरंभ हुआ था। और ये जो मेला कहाँ आयोजित हुआ था, गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर में आयोजित होता है। ये दुनिया का
ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, मेष संक्रांति का मेला, यह बिहार के विभिन्न भागों में सतुवानी अर्थात सतुआ संक्रांति या सिरुआ विशुआ आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नववान भजुआ का भी उत्सव मनाया जाता है। जो कहते हैं ना, जो गर्मी के दिनों में सत्तू और आम खाते हैं, ये मेष संक्रांति का ही दिन होता है। सौराठ सभा मिथिलांचल का यह विशिष्ट मेला शादी विवाह के कार्य को सुगम बनाने तथा इसमें मितव्यता लाने में सहायक होता है। सामान्यतः आषाढ़ माह के अंतिम चरण में आयोजित इस मेले में विवाह योग्य युवकों एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति मुख्य आकर्षण होती है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक वही विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं। पंजीकारों द्वारा गोत्र और कुल का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है और विवाह की बातें होने पर तत्कालिक विवाह का आयोजन भी होता है। हिजला मेला संताल परगना क्षेत्र में हिजला पहाड़ी के समीप आयोजित यह वार्षिक मेला शरद ऋतु में संपन्न होता है। इसमें आदिवासी और अन्य लोग भी भाग लेते हैं। ग्रामीण और क्रीड़ा का आकर्षण रूप यही देखा जा सकता है। हिजला शब्द हिजलो पाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो यहाँ की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह मेला अंग्रेज शासकों द्वारा काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया है। सॉरी, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को यह मेला एक बड़ी देन है। तो इस कला एवं संस्कृति के चैप्टर यहाँ आज खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 से देखेंगे जनजातीय जीवन के बारे में, और जनजातीय जीवन और जनजातीय क्रांति से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पीटी और मेंस में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देख रहे हैं और ये आज आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। तो आप आई होप कि आप लोग नोट्स बनाते जरूर जा रहे होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि नोट्स जरूर बनाते चले जाएँ और बुक में जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ मेंशन करते चले जाएँ, आपको अंडरलाइन करते चले जाएँ ताकि आपको लास्ट मिनट में आपके पास अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए जिसको आप मात्र रिविज़न के द्वारा BPSC में जो बिहार का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपको इस बुक से आ जाएंगे और मैं उन चीज़ों को बताती भी चले जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे, थोड़ा सा मन लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो 25 नंबर तो आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिन अच्छी तरह से नोट्स बनाते चले जाएं और मेरे चैनल को और दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी रेफर करें ताकि अन्य लोग भी इनको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।